बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 7 सितंबर को एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इसी रैली को कामयाब बनाने की गर्ज से मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के चंपारण में यूथ विंग के सदर विशाल कुमार शाह ने 3 रथ इस वर्चुअल रैली की तशहीर के लिए रवाना किए। साथ ही उन्होंने पार्टी कारकुनान से इस वर्चुअल निश्चय संवाद को कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की। जेडीयू के बंजरिया ब्लॉक सदर कयामुल हक ने भी पार्टी के साथियों को खिताब किया। पेश है एनएन न्यूज नुमाइंदे अहसन जिया की ये रिपोर्ट। बंजरिया प्रखंड का हो ताकि हम लोग का दुख और दर्द समझ सके। अगर विशाल जी का 100% उम्मीद है कि इनका टिकट कन्फर्म होगा और आगे से सिग्नल भी मिल चुका है और इनको टिकट मिल जाता है उसके बाद में हम लोग दिन रात चेक कर देंगे, कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग दूसरे प्रखंड के लोगों को हम लोग पसंद नहीं करेंगे, हम लोग जब ही पसंद करेंगे हम अपने प्रखंड के हमारे विशाल जी को पसंद करेंगे और हम लोग यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे कि आगामी 7 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को संबोधित करेंगे और वो समय होगा दिन के 11:30 बजे। चूंकि ये कोरोना काल है इसमें कोई बड़ी सभा हम नहीं कर सकते हैं, बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो आधुनिक युग का जो सबसे सशक्त माध्यम है वह है सोशल मीडिया। तो इस माध्यम से हमारी पार्टी ने आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद 7 तारीख को 11:30 बजे से होना है और उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं और आपसे आग्रह करने आए हैं, आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि 7 तारीख को आप सभी साथी जो यहाँ मौजूद है जनता दल यू के और जो लोग इन तक मेरी बात पहुंच रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए हम ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं गर्व होता है। आज एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई छोटे से पद पर भी कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो उसके 5 साल के कार्यकाल में कोई ना कोई उसको भ्रष्टाचार का आरोप लग ही जाता है, चाहे वो एक वार्ड का सदस्य क्यों ना हो। लेकिन 15 साल से जो संत बिहार को चला रहे हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई चोरी का आरोप नहीं है। आप चाहे विरोधी कुछ भी कह ले, कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जो भी कहेंगे वो अनर्गल कहेंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी है, ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो कहा है वो नीतीश कुमार ने किया है और जो नीतीश कुमार ने किया है वो किसी ने नहीं किया। बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने कर दिया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम तो 15 साल के लालू जी के शासनकाल को भी देखे और 15 साल के नीतीश जी के भी शासनकाल को देखे और हमारा अभिभावक जो बैठे हैं वो भी देखे, लेकिन कुछ जो नौजवान पीछे बैठे हैं हो सकता है कि वो नहीं देखे हो, तो उनको याद दिलाने का समय है कि जो 15 साल पिछला था 90 से लेकर 2005 तक और जो 15 साल ये है 2005 से लेकर 2020 तक क्या अंतर है। अरे जटवा से बेहतर, बंजरिया से बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। मैं तो इसी प्रखंड का रहने वाला हूँ, मेरी तो रोजी रोटी आपके बगल से, मैं तो आपके बगल में बुझाता हूँ और खाता हूँ, आप ही गाँव से मेरी परवरिश हुई है, तो मैं तो भली भांति परिचित हूँ। ये जटवा घाट पे जब बाढ़ हो जाता था तो मांस बल्ली का जो पुल होता था लोग हटा देता था, फिर जाड़े के दिनों में चंदा करके व्यवस्था करके लगाया जाता था, मोटरसाइकिल वाले से 2 रुपया 5 रुपया, गाड़ी वाले से 5 रुपया 10 रुपया लोग लेते थे और जैसे तैसे पार करते। लेकिन जब बाढ़ आता था तो 3 महीना से 4 महीना दिन ये छेद कट जाता था, तो जटवा घाट का पुल मिला, ऐतिहासिक विकास हुआ था।
आज आपको मोतिहारी जाने के लिए सोचना तो नहीं पड़ता है अगर बाड़ा नहीं हो तो, लेकिन अब बाड़ा भी होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 लेन सड़क मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। 18 फीट चौड़ी सड़क आपके यहाँ बनेगी जो बाढ़ के दिनों में डूबेगी नहीं। और ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से अध्यक्ष जी ने भी किया था और मैंने भी किया, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। जब मैंने उनका आवेदन दिया मोतिहारी सर्किट हाउस में, तो मैंने कहा कि सर आपने जो जटवा घाट का ऐतिहासिक पुल दिया है वो दिलवा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा है। अगर वो रोड बन जाए, ऊंची हो जाए, तो वो पुल सार्थक हो जाएगा बाढ़ के दिनों में। तो उन्होंने तत्कालीन डीएम रमन कुमार थे, उन्होंने उनसे कहा कि क्या स्थिति है इसकी। वो बोले कि सर सर्वे हो रहा है। मैंने कहा कि सर इसको जल्दी करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसको देखूंगा, और जिसका नतीजा है ये रोड आपका पास हो गया, टेंडर में चला गया। अब कुछ लोग अपना कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री को 16 में दिए, 15 में दिए, 14 में दिए, तो उनसे पूछिए जो इस सड़क को लिख के दिए थे नहीं दिए थे। वो दूसरे 3 सड़कों की बात उन्होंने की थी जो उनको उनके थोड़ा क्षेत्र को जोड़ता था, और वो सड़क आज तक पास नहीं हुई क्योंकि करवाने का मनता ही नहीं है। ये तो RWD और PWD के झगड़े में जब ये रोड फंसा था उस समय भी माननीय मंत्री से मिले थे, क्या मुलाकात मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने मांग रखी। और आज लोग अल बल बयान दे रहे हैं, तो देने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। गाल बजाने वाली पार्टी है, गाल बजाने वाले लोग गाल बजाएंगे, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाली पार्टी हम लोग काम करेंगे। और ये डर है कि उस रोड का शिलान्यास और उद्घाटन को जदयू का विधायक ही करेगा, शिलापट पर कोई जनता दल को तीर के सिपाही का इनाम चढ़ेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। इसलिए जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करें। तो जो मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र के लिए इतना विकास किया है, बाकी योजनाएं तो चल ही रही है, नल योजना हो चाहे नली गली हो, रोड हो सड़क हो, सब बन रहा है। क्या नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी ने? अस्पताल नहीं दिया है कि स्कूल नहीं दिया है कि बच्चों को साइकिल नहीं दी है कि पोशाक नहीं दिया है? आपके एक पंचायत में 100 से ज्यादा रोजगार आज के डेट में लोग कर रहे हैं, 100 परिवार आज सरकारी नौकरी से चल रहा है। अब जोड़ लीजिए जितने भी विद्यालय हैं, चाहे शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, कृषि सलाहकार हो, ये पहले कोई पद था क्या? लालू सरकार में पद थे क्या? आपने सुना था क्या टोला सेवक का नाम? आप आशा को जानते थे क्या? आप ममता का नाम सुना था क्या आपने? आंगनबाड़ी थी क्या उस समय? कुछ नहीं था, था तो चरवाहा विद्यालय था। तो जिसने जब इतना दे दिया उसके बारे में सोचना क्या है साहब? ये तो चुनाव हमारा चुनाव है, हमारे भविष्य का चुनाव है। नीतीश कुमार का क्या है? 15 सालों मुख्यमंत्री रह गए, वो तो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। जब तक बिहार रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, नीतीश कुमार का नाम मिटने वाला तो है नहीं। हम मिट सकता है, बन सकता है, बिगड़ सकता है, तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बन बिगड़ सकता है। तो ये आपको सोचना है, हमको सोचना है कि लाठी घुमाओ तेल पिलाओ के साथ जाना है कि कलम चलाने वाले के साथ जाना। 7 तारीख को 11:30 बजे से निश्चय संवाद है, जगह जगह हम लोगों को बैठा कर करके इकट्ठा करके टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। देखिए, बात अगर नहीं कहिएगा, बात नहीं सुनाइएगा, तो बात पता नहीं चलती। गांव में भी मैं पंचायती होता है तो किसको बुलाया जाता है? बोलतू को, तुम उदुबरा को बोलतू को बुलाया जाता है। तो आप बोलतू नहीं बनिएगा, आप विकास की गाथा नहीं कहिएगा लोगों के बीच में जाके, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, रोड तो हम लोग पास करवाए, रोड नीतीश कुमार के शासन काल में आया, रोड अभी पास हुआ। अल्लाह बड़ा छुट्टा सब कह रहा है कि 2016 में दिया तो पास हो गया, अब मुख्यमंत्री पास कर दिए, क्या मजाक है भाई? इतना झूठ का है बोल रहे हैं? आप कहिए ना कि ठीक है हम करा लेंगे, नीतीश कुमार दिए। चलिए, हम आपकी का मानते हैं तो कम से कम नीतीश कुमार को तो धन्यवाद दे दीजिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने ये तोहफा दिया बिना किसी भेदभाव के। लेकिन आप कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिए, इतना झूठ का है बोलते? तो अपनी बात को कहिए, अपनी मांग को रखिए, अपने
अपने विकास के कार्यों को रखिए लोगों के बीच में जाके, ये समय है और रखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के दरवाजे पे भी जाकर बहस करने की जरूरत नहीं। सबसे बढ़िया जो नौजवान साथी हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप आपका माध्यम है, वहां से आप विकास की बातों को लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारी सरकार ने क्या किया है, क्या क्या विकास किया, अगर हमको योजना को बोलने के लिए आप कहिएगा तो यकीन मानिए रात होते हैं। हम इतनी योजनाओं के बारे में अभी बताना चाहते, तुम रात करना नहीं चाहते, खाना भी बनवाया, धूप भी लगी है, कहीं खाए नहीं है, तो कम समय में हम इतना ही कहेंगे कि 7 सितंबर माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद, आप सभी साथी हाथ उठा के उस निश्चय संवाद के लिए निश्चय करिए कि उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे, घर के आगे टीवी निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेंटर मंजरिया प्रखंड में बना कर करके पूरे बिहार के अंदर यह संदेश देंगे कि बंजरिया के लिए मुख्यमंत्री ने किया है तो बंजरिया के लोग भी मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं। तो हाथ उठा के आप सभी जाति से आग्रह है कि एक बार संकल्प लीजिए, तो पक्का ना सबसे ज्यादा सेंटर बंजरिया खोलेगा ना, एक नंबर पे। चलिए बाकी बात तो सब लोग कही दिया है, हम आप लोगों के साथ हैं और रहेंगे, जिस भी हैसियत से रहेंगे लेकिन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।